नीतीश खड़ा है वो बना है रईस, और पीछे जो बवे हैं वो बना है मजमूदार। तो एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त योगेश वैष्णव और ये है भव्य मैदान। तो आज हम जा रहे हैं भूत से तकरीबन 56 किलोमीटर की दूरी पर, गांव का नाम है पोलड़िया, जहां पर शूट हुआ है फिल्म रईस का क्लाइमेक्स सीन। तो चलिए जाते हैं वहां और देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर पूरा जंगल जैसा नज़ारा। अभी तो हम रास्ते में हैं, अभी हमें लोकेशन पर पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम है, तो अभी थोड़ा रुके हैं क्योंकि बहुत ही लंबा रास्ता है। बाइक से हम जा रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। ये देखिए भव्य तैयार हो रहा है, कैप वैप पहन रहा है। ये देखिए एकदम एकदम जंगल जैसा नज़ारा। यहाँ पर अच्छी खासी फिल्म शूट हो सकती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। देखिए भव्य खड़ा है। बहुत ही अद्भुत वाले जंगल में फाइटिंग सीन। तो भव्य कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, जैसे मोहनजोदड़ो का फाइटिंग शूट हुआ था ऐसा लोकेशन लग रहा है। तो
चलिए अब चलते हैं लोकेशन पर। अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 20-25 किलोमीटर बाकी है, तो जाते हैं वहाँ। गढ़सीसा, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गढ़, वो गढ़सीसा का गढ़ है, और हमारा लोकेशन यहाँ नहीं, इससे भी 10-12 किलोमीटर आगे है, तो चलिए देखते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, यहीं पर शूट हुआ था फिल्म रईस का क्लाइमेक्स सीन, जहां पर मजमूदार रईस का एनकाउंटर करते हैं, तो वो यही जगह थी। तो देखिए यहां पर भव्य, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दसड़ी के गढ़सीसा से जुड़ चुके हमारे दोस्त रितेश जोशी, जो कि मेरी एक फिल्म भूख में एक किरदार किया था, और उसे काफ़ी अच्छी सराहना मिली थी उस किरदार से। तो देख लीजिए रितेश भाई, हाय बोल दीजिए सबको। हाय, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो आप लोगों को लोकेशन दिखा रहे हैं, वो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से और को भी आसानी हो जाती है और कोई फिल्मों में शूटिंग लेने के लिए। ये आपका काम बहुत बढ़िया है। तो रितेश भाई, आपको पता है ये कहाँ शूट हुआ था, कुछ ये जानकारी? एक लोकेशन जो है वो कच्छ के पास में गढ़सीसा करके गांव है। हाँ, वहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव आता है पुलड़िया, वही जगह है यहाँ पे। तो रईस फिल्म का जो क्लाइमेक्स सीन शूट हुआ था, वो इसी जगह पे शूट हुआ था। तो देखा दोस्तों, जो रईस का क्लाइमेक्स सीन था वो यहीं शूट हुआ था। तो चलिए देखते हैं, फ्रेम सेट करने की कोशिश करते हैं, और आपको नीचे स्क्रीनशॉट पे में दिखा देंगे। तो चलिए, तो देखिए सीन कुछ इस तरह का था। अभी जो आगे रितेश खड़ा है वो बना है रईस, और पीछे जो बवे हैं वो बना है मजमूदार। तो एक्शन। तो देखिए इसी तरह से शाहरुख खान आता है आगे, और मजमूदार आता है वहाँ खड़ा रह जाता है, और कुछ इस तरह का था, इस तरह का सीन था। ये जो अभी रितेश खड़ा है वहाँ पर रईस खड़ा रहता है, और भव्य खड़ा है वहाँ पर मजमूदार खड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो खड़ा रहता है रईस, वो कहता है कि गोली मारने के लिए इतनी दूरी बराबर है ना मजमूदार साहब, वो जो डायलॉग रहता है वो यही कहता है। और यहाँ पर ये मजमूदार खड़ा रहता है अपना बंदूक हाथ में लिए। मैं पूरा सीन और नीचे स्क्रीनशॉट दे दूँगा, कुछ इसी टाइप का था। तो चलिए अभी रितेश, और ये देख लीजिए, ये भी पूरा सीन में दिखता है। यहीं पर गद्दे बिछाए गए थे शाहरुख खान के लिए गिरने के लिए, वो जो गिरते हैं। रितेश जा गिर के दिखाओ। ये जो जगह है, ये कोने से एक कोने तक पूरे गद्दे बिछाए हुए थे, और यहाँ पे रईस खड़ा रहता है, तो वहाँ से मजमूदार शूट करता है। जो रईस गिरता है वो इसी जगह पे गिरता है।
तो देखिए कुल मिलाकर यही जगह थी, ये आप पीछे पहाड़ भी मैच कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम आपको फ्रेम एग्जिट करने की कोशिश करें तो कैमरा यहाँ लगा था, ये देखिए यहाँ लगा था कैमरा। यही था और यहीं पर शाहरुख खान आता है और यही एक फ्रेम ये थी पूरा। थोड़ा यूं करता हूँ, ये देखिए ये शायद ये थी, ये देखिए यही थी पूरी जगह। और मैं भी शूट में आया था, 3 दिन का शेड्यूल था यहाँ पर, 3 दिन लगातार हम यहाँ आया करते थे और कांस्टेबल बने थे बस। हालांकि हमारा कोई भी सीन फिल्म में दिखाई नहीं दिया है, लेकिन उस समय के जो फोटोग्राफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो मैं सबसे पहले रितेश जोशी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ रहे और हमें वक्त दिया अपना कीमती। शुक्रिया योगेश भाई। अगर आप इस चैनल पे नए नए जुड़े हो या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे भाई के चैनल को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई जगह एक नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।